वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन ऑफ क्लास 8 साइंस दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखेंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप एकदम फिट हो, एकदम फाइन हो एंड एकदम मजा में हो, एकदम ठीक से चल रहा है सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये चैप्टर सीखने वाले हैं। अब ये चैप्टर जो है, आई हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आप भी देख सकते हो, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सो फर्स्ट, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिंथेटिक फाइबर एंड बाद में हम प्लास्टिक पार्ट सीखेंगे। नाउ सिंथेटिक फाइबर से स्टार्ट ना करते हुए आई स्टार्ट विद फाइबर। पहले तो स्टूडेंट्स, आपको समझना है व्हाट इज फाइबर। आप फाइबर वर्ड से फेमिलियर हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा फैब्रिक वर्ड से ज्यादा सिमिलियर हो, राइट? आपने फैब्रिक वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा। कब सुना होगा? जब आप मॉम डैड के साथ जाते हो, कुछ नए शॉपिंग करने जाते हो, नए नए कपड़े लेने जाते हैं हम लोग, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, यस और नो? तो वहां पे मॉम या डैड, वो जो भैया जी हैं, उसको पूछते हैं, क्लॉथ वाले, उनको बोलते हैं, अरे भैया ये कौन सा फैब्रिक है, इसे कौन से फैब्रिक से बना हुआ है, ये कॉटन फैब्रिक से बना हुआ है, ये वूल से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? तो यही हम लोग जब फ्रीक्वेंटली सुनते हैं फैब्रिक वर्ड। अब ये फैब्रिक ही क्या है, आपका फाइबर है स्टूडेंट्स। तो आपने जो कपड़े पहने हैं, यस, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? वो फाइबर से बने हुए हैं। अब ये फाइबर को आपने देखा भी है स्टूडेंट्स। आप अगर देखोगे तो आपकी ओल्ड टी शर्ट है या ओल्ड जीन्स है या ओल्ड आपका ड्रेस है, उसके अंदर से आपने छोटे छोटे थ्रेड निकलते हुए देखे हैं स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइबर एक साथ मिक्स होके, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होके, एक मशीनरी में जाके आपके क्लॉथ रेडी होते हैं। तो आपको आई होप समझा व्हाट इज फाइबर। तो फाइबर क्या है? ये क्लॉथ का एक बेसिक मटेरियल है, उसको अच्छे से मिक्स करके, उसको इंटरमिक्स करके क्या बना हुआ है? हम लोग का क्लॉथ बना हुआ है। सो फाइबर इज नथिंग बट इट इज अ स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आपने जो भी फैब्रिक मटेरियल पहना है वो दूसरे फैब्रिक मटेरियल से शायद अलग होगा। अब आपका जो पार्टी वेयर है, आपका जो नाइट सूट है, जो आपका स्विम सूट है, जो हम लोग की मॉम साड़ी पहनती है, सिल्क साड़ी, सो ये तीनों या चारों जो भी कैटेगरीज हैं, वो फाइबर से तो बने हुए हैं, बट वाई दे आर वेरी डिफरेंट? फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पार्टी वेयर होगा वो शाइनी होगा, देखने में इतना ब्यूटीफुल होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो कंफर्टेबल नहीं होगा। वो पार्टी वेयर पहन के आप सो नहीं सकते बिकॉज इट इज नॉट कंफर्टेबल। सेकेंड, अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपका जो नाइट सूट है, आप अगर नाइट सूट देखे तो एकदम कंफर्टेबल होता है, एकदम स्मूथ होता है, एकदम स्ट्रेचेबल होता है स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से आराम से पूरी रात उसमें सो सकते हैं। फिर आपने आपका नाइट सूट देखा होगा स्टूडेंट्स, नाइट सूट के बाद आपने देखा रहेगा स्विम सूट। आपका जो स्विम सूट जो रहेगा वो आपके बॉडी से एकदम अच्छे से अटैच हो गया रहेगा, उसमें आपको जो बॉडी है आपके बॉडी को वो गीला नहीं होने देगा, वो उसमें पानी टिकने नहीं देगा स्टूडेंट्स, यस और नो? तो ये सारे के सारे क्लॉथ डिफरेंट क्यों है? बिकॉज दे ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। यस स्टूडेंट्स, फाइबर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो अगर फाइबर अलग है तो आपका कपड़ा भी अलग है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब ये जो फाइबर होता है वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद एक क्लॉथ में कन्वर्ट होता है, राइट? अब ये जो फाइबर है स्टूडेंट्स, ये फाइबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यस और नो? अब ये दो टाइप है, उसमें पहला जो टाइप है वो नेचुरल है। नेचुरल मींस व्हाट? आपको नेचर में से मिलते हैं वो फाइबर्स, या प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। उसमें जो नेचुरल सब्सटेंसेस से बनता हुआ है वो, उससे हम लोग कपड़े बनाएंगे तो उसको हम लोग नेचुरल फाइबर बोलेंगे। बट कुछ कुछ फाइबर जो है वो आर्टिफिशियल, वो मैनमेड होते हैं, वो सिंथेटिक बोले जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये जो फाइबर होगा वो, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस होंगे, उसके साथ बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होंगे एंड देन वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा फाइबर बोलेंगे स्टूडेंट्स? सिंथेटिक फाइबर, जो आपके चैप्टर का नाम है। सो जो फाइबर है नेचुरल फाइबर, जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो तो हमको सीखना है, बट ये सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर आप सीखोगे, उससे पहले आपको नेचुरल फाइबर कौन से टाइप का है वो पता होना जरूरी है। तो मैंने नेचुरल फाइबर के लिए आपको अलग अलग फोर टाइप के जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। आपने शायद
आपके प्रीवियस क्लासेस में लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखे होंगे. सो लेट अस रिकलेक्ट दैट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड सिंथेटिक फाइबर इजीली. ओके, सो नेचुरल फाइबर से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. देर आर फोर टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स: कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क. तो ये चार अलग अलग टाइप के होंगे आपके जो अलग अलग टाइप के नेचुरल फाइबर है. ऑब्वियसली ये प्लांट और एनिमल्स में से ही पाए गए हैं. इसमें या तो बोल सकते हैं हम लोग बहुत कम इंडस्ट्रियल प्रोसेस जुड़ी हुई है, बहुत कम मशीनरी जुड़ी हुई है, बहुत कम मैनमेड काम जुड़ा हुआ है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कॉटन से. तो कॉटन आपने देख रहा है, यहां पे कॉटन दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स. अब ये जो कॉटन का प्लांट जो रहता है, वो कॉटन का प्लांट जो है वो ग्रो किया जाता है. अब ये जो कॉटन के प्लांट है उसके अंदर से हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्रेड निकालते हैं स्टूडेंट्स, थ्रेड. अब ये थ्रेड निकलने के बाद आप उसको एक मशीनरी में डालते हो और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर करते हैं और ऐसे करके उसको हम लोग एक साथ वूवन करेंगे तो हमको कॉटन का एक क्लॉथ बनता है. तो स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंटली सुना रहेगा 100% कॉटन है ये, या 100% लिनन है, या 100% ये है. ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूं आपको. सो कॉटन प्लांट है, उसमें से थोड़े बहुत कॉटन के थ्रेड्स निकलते हैं, थ्रेड्स का हम लोग प्रोसेस करते हैं एंड देन हम लोग को कॉटन के कपड़े मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट कम टू अनदर फाइबर, दैट इज जूट. जूट का भी स्टूडेंट्स एक प्लांट होता है. वो प्लांट को हम लोग एकदम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको कलर करते हैं, उसको कलर करने के बाद हम लोग को जूट का अच्छा खासा हम लोग देख सकते हैं, जूट की बैग्स देखते हैं, जूट की बास्केट्स आती है. स्टूडेंट्स आपने नोटिस की होगी जो हार वाला रहता है उसकी बास्केट जो रहती है वो जूट से बनी होती है. तो ये जो है जूट, इट इज अगेन अ प्लांट जो रहता है, नेचुरली ऑब्टेंड होता है, वहां से बनता है. नाउ लेट्स कम टू वूल. अभी वूल को तो आपको पता ही है कहां से मिलेगा, शिप से मिलेगा. शिप की जो बॉडी रहती है उसके हेयर जो रहते हैं वूलन, ठीक है, वो क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं अच्छे से. तो हम लोग शिप की बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, उसके जो हेयर्स हैं उसको रिमूव करने के बाद उसमें प्रोसेस करेंगे, उसको प्रोसेस करने के बाद उसको कलर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वूल मिलेगा. जो दादी माँ आपका स्वेटर सीती थी वो किसका होता था स्टूडेंट्स, वो वूलन होता था, राइट. तो वूलन क्लोथ्स भी आते हैं स्टूडेंट्स जो आपको अच्छे से कंफर्ट होते हैं, आपको अच्छे से गर्म रखते हैं अंदर से और जो आउटर एनवायरमेंट कोल्ड एनवायरमेंट से आपको बचाते हैं. देन नेक्स्ट मैं आपको बात करूंगा सिल्क. अभी आपकी मम्मी ने सिल्क का साड़ी तो लिया ही होगा. आप मम्मी को पूछना, मम्मी आपके पास सिल्क साड़ी है क्या, तो सिल्क आपको एग्जांपल वहां पे ही मिल जाएगा. अब ये सिल्क जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, एक सिल्क वर्म होता है स्टूडेंट, एक सिल्क वर्म आपको दिख रहा है. अब ये सर सिल्क वर्म है, वो सिल्क वर्म क्या करता है, वो सिल्क वर्म अपना एग्स देता है, वो एग्स जो है वो धीरे धीरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, वो लार्वा जो है उसको हम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है वो कुकून में कन्वर्ट हो जाता है और ये कुकून जो है वापस वो सिल्क वर्म में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे और ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है. अब आप बोलोगे सर इसमें से सिल्क थ्रेड कहां से मिलेगा, तो स्टूडेंट्स को जो कुकून है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. उसमें से छोटे छोटे हम लोग क्या करते हैं, उसमें से थ्रेड खींचेंगे और वो थ्रेड से क्या मिलेगा हम लोग को, अच्छा खासा सिल्क का फाइबर मिलेगा और वो सिल्क के फाइबर से क्या होगा, वो सिल्क के फाइबर से सिल्क के क्लॉथ बनेंगे, आपकी मम्मी की साड़ी बनेगी. तो स्टूडेंट्स ये जो सिल्क के बारे में आपको बताया वो याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सिल्क इज मेड अप ऑफ नेचुरल बट नाउ डेज वी आर मेकिंग इट वेरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मेक अ आर्टिफिशियल वन, तो वो हम लोग देखते हैं. सो आई होप ये चारों भी नेचुरल फाइबर्स आपको क्लियर, एकदम सही में एकदम अच्छे से आपको समझा है. नेचुरल फाइबर फिर से हम लोग याद करा दें कौन से हैं, कॉटन है, जूट है, वूल है और सिल्क है. ये सारे के सारे जो फर्स्ट दो है वो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, जो नेक्स्ट दो है वो हम लोग को एनिमल से प्राप्त होते हैं. अब ये जो नेचुरल फाइबर है उसकी खासियत यही है, डज नॉट रिक्वायर मच इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसको कम मशीनरी लगती है. मैंने पहले ही बताया कम मैनमेड पावर लगेगा, कम उसको केमिकल प्रोसेस लगेंगे, इसके लिए दे आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स. तो आई होप नेचुरल फाइबर्स क्लियर. सो स्टूडेंट्स नेचुरल फाइबर क्लियर है, अब हम लोग जाएंगे सिंथेटिक फाइबर. व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक टर्म सिखाना चाहता हूं, दैट इज नोन एज पॉलीमर. अब सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, एज यू नो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, मैनमेड होते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है. अब ये जो सिंथेटिक फाइबर है वो पॉलीमर से बनते हैं. वो पॉलीमर क्या होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं. अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ
स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। अब क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल यूनिट को अगर हम जोड़ देते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो स्टूडेंट्स एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, एक बड़ा सा हम लोग बोलेंगे फाइबर बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर। इनको जोड़ने वाले कौन है, इसको हम लोग साइंटिफिक प्रोसेस से जोड़ने वाले हैं, इसको हम केमिकल प्रोसेस से जोड़ने वाले हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जोड़ने वाले हैं, बिकॉज इट इज सिंथेटिक फाइबर। अब वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसका नाम क्या है, बड़ी बड़ी चेन है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है वो हम लोग देख लेंगे। मेनी स्मॉल यूनिट कॉल्ड मोनोमर। अभी जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल यूनिट, सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल पार्ट, दे आर नथिंग बट मोनोमर कंबाइंस टू फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। अब छोटी 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 चीजें बनेंगी, ज्वाइन होंगी तो लार्ज स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। अभी जो पॉलीमर बना है इसी को हम जोड़ के क्या बनाएंगे, हमारा सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट्स ये पॉलीमर जो है उसका मीनिंग क्या है, पॉली मीन्स मेनी, मेनी मेनी, एंड मोन मीन्स स्मॉल यूनिट और पार्ट, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर। तो मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग मोनोमर बोलेंगे, दे आर सिंगल यूनिट, ये पूरा चेन बन गया एक साथ कंबाइन हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। अभी जो पॉलीमर होता है जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेबोरेटरी में बनेगा या सिर्फ इंडस्ट्री में बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे नेचर में भी पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कॉटन, एक कॉटन हम लोग ने देखा था इट इज नथिंग बट नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल उसके जो यूनिट थे, थ्रेड्स थे, वो बड़े यूनिट जो है वो ग्लूकोज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बड़ा यूनिट है, वो कौन से यूनिट से बना है, छोटे छोटे सेल्यूलोज से बना हुआ स्टूडेंट्स। सो पॉलीमर ऑल्सो अकर इन नेचर, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल्यूलोज। तो स्टूडेंट्स ये जो पूरा का पूरा सिंथेटिक फाइबर है वो पॉलीमर से बना हुआ है, और पॉलीमर किससे बना हुआ है, पॉलीमर क्या है, इट इज अ लार्ज चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। तो आई होप आपको ये सिंथेटिक फाइबर का जो स्टार्ट है वो क्लियर है। नाउ लेट अस कम टू सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप के होते हैं और सिंथेटिक फाइबर का जो डेफिनेशन है वो पहले। स्टूडेंट्स हम लोग ने देखा जो सिंथेटिक फाइबर था वो पॉलीमर से बना हुआ है, तो लेट अस डिफाइन सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है द फाइबर विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय केमिकल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर है जो मैन मेड होता है, जो इंसान ने बनाया है बाय यूजिंग सम केमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होता रहेगा स्टूडेंट्स के, व्हाई वी आर यूजिंग सिंथेटिक फाइबर इंस्टेड ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर तो कितना अच्छा है स्टूडेंट्स, है ना, आप तो ये सोचते रहेंगे कि नेचुरली ऑप्टेन करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ी बहुत ही प्रोसेस करनी पड़ती है, कम केमिकल यूज होता है, कम इंडस्ट्रियल है, कम मैनमेड वर्क इन्वॉल्व है, स्टिल व्हाई वी आर यूजिंग सिंथेटिक फाइबर। तो मैं यहां पे आपके लिए तीन रीजन लाया हूं, ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, तो तीन रीजन यहां पर देख लेते हैं। पहला, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल है। स्टूडेंट्स आपको पता है बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के कपड़े आते हैं, तो कुछ कुछ ब्रांड के जो कपड़े होते हैं वो सही में बहुत अच्छे होते हैं, वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो 6, 8, 10 पूरा एक साल भी टिक सकते हैं। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर है इट इज मोर ड्यूरेबल ओवर नेचुरल फाइबर। सेकेंड चीज है, सेकेंड चीज इजिली प्रोसेस्ड होते हैं। अब आप बोलोगे सर देखो नेचुरल फाइबर जो है अगर आपको चाहिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी, ऑब्वियसली आप व्हाइट कलर के कपड़े पहन के नहीं घूम सकते हो 24/7, आपको भी वैरायटी चाहिए, ह्यूमन बींग्स को वैरायटी चाहिए, कलर चाहिए। तो जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें हम लोग अगर प्रोसेस करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, थोड़ा हैक्टिक प्रोसेस होता है, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है और प्रोसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अगर सिंथेटिक फाइबर को हम लोग को प्रोसेस करना है, हम लोग को उसको डाई करना है, हमको उसमें केमिकल प्रोसेस करना है, तो इट इज वेरी इजी। तो आई होप आपको सेकेंड पॉइंट भी समझाना। थर्ड पॉइंट, आखिर बात किसकी आ गई, एट द एंड पैसों की। तो अगर आप देखोगे नेचुरल फाइबर जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारी नेचुरल चीजें इन्वॉल्व है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे जाता है। बट अगर सिंथेटिक फाइबर जाओगे आप, सिंथेटिक फाइबर देखोगे तो इट इज लेस कॉस्टली और यू कैन से पॉकेट फ्रेंडली एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स, हम लोग ने नेचुरल फाइबर का एक टाइप सीखा था सिल्क। अब आप आपकी मम्मी को पूछना कि जो सिल्क की साड़ी होती है अगर प्योर सिल्क है तो कितनी की होगी, कम से कम 5 to 8,000 की होगी स्टूडेंट्स, या उससे भी महंगी हो सकती है। तो why it is costly, because it is made up of natural fiber students, जो सिल्क है वो नेचुरल फाइबर से बना हुआ है।
पर अगर आपको मैं बोलता हूं कि मैं वही चीज आपको वही कैरेक्टरिस्टिक्स वाली सिल्क के जैसा शाइन देने वाली और सिल्क से थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी की, अगर मैं आपको कोई चीज देता हूं, कोई फाइबर देता हूं, उसके बने हुए कपड़े देता हूं, तो आप क्या करोगे? और मैं बोलूंगा वो आपको मैं हाफ प्राइस में देता हूं, तो ऑब्वियसली यू विल प्रिफर दैट। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में लेस कॉस्टली है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो कम होती है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है चार टाइप के अलग अलग नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर देखने वाले हैं। हम लोग ने नेचुरल फाइबर ऑलरेडी देख लिए हैं। तो पहला टाइप हम लोग देखने वाले रेयन, सेकेंड हम लोग देखने वाले नायलॉन, ये आपने वर्ड सुना होगा, स्ट्रेचेबल, थर्ड पॉलिस्टर, एंड फोर्थ इज एक्रेलिक। क्लियर? तो ये चार टाइप के सिंथेटिक फाइबर हम लोग सीखने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेयन से। अब जो रेयन है उसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। अब आप स्टूडेंट्स बोलोगे कि जो सिल्क था वो तो नेचुरल था, अब जो ये सिल्क है उसपे हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग थोड़ी सी प्रोसेस करते हैं, वो जो सिल्क था वो हम लोग उसके जैसा ही एक साइंटिफिक हम लोग बोलेंगे प्रोसेस करने के बाद हम लोग क्या ऑप्टेन कर सकते हैं, हम लोग रेयन ऑप्टेन करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी सेम टू सेम सिल्क जैसी होती है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाई रेयन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, बिकॉज रेयन इज ह्यूमन मेड और यू कैन से मैन मेड है वो। क्लियर? और वो क्या होता है, वो सिल्क के जैसा ही प्रॉपर्टी शो करता है सारा का सारा, सिल्क की जैसी शाइन होती है, सिल्क की जैसी ड्यूरेबिलिटी होती है। सो व्हाई देयरफॉर इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अभी जो रेयन था, रेयन इज अ फाइबर इन विच इट इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेस ऑन वुड पल्प। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल चीजें भी मिक्स करते हैं। तो अगर वुड पल्प है उसको ड्राई किया जाता है, उस पे बहुत सारे केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं और फाइनली आपको एक लिक्विड ऑब्टेंड होता है। अब वो जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं, और जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करेंगे तो वहां से हम लोग को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है, उसी को हम बोलेंगे रेयन। तो आपको खाली इतना याद रखना है, रेयन इज अ फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेस ऑन वुड पल्प। अब ये जो रेयन है स्टूडेंट्स, ये रेयन जो है पहला कहां पाया गया था, पहला चाइना में पाया गया था। जैसे चाइना से याद आ गया हमको कोरोना, तो जैसे वुहान में हम लोग ने देखा था कोरोना पाया गया, वैसे जो सिल्क था वो जो रेयन था वो कहां पाया गया था, वो भी चाइना में पाया गया था। अब चाइना वाले पहले से ही अपनी स्मार्टगिरी कर रहे हैं, तो वहां पे वो टाइम पे भी वो लोग ने 19th सेंचुरी में क्या किया था, वो लोग ने इस राज को छुपाया था, इसको किसी को बताया नहीं था। जैसे हम लोग के चाइना महान लोगों ने क्या किया था, कोरोना के वायरस को भी छुपाया था, किसी को इंटीमेट नहीं किया, शायद उनके पास वैक्सीन भी हो तो वैक्सीन को भी छुपा रहे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट्स। सो ये जो रेयन था स्टूडेंट्स, फिर क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स डाला, जैसे हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट अभी एफर्ट्स डाल रहे हैं वैक्सीन ढूंढने में, वैसे वो टाइम पे 19th सेंचुरी में जो रेयन बनाने की कोशिश जारी कर दी थी सब साइंटिस्ट ने, और वो लोग सक्सेसफुल रहे थे आर्टिफिशियल सिल्क दैट इज रेयन बनाने में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये रेयन है, रेयन कहां से ऑब्टेंड होता है, वुड पल्प से, पर उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोसेस रहती है, इन्वॉल्व मैन मेड रहती है, इसके लिए इसको हम लोग किसमें कैटेगराइज करते हैं, इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर में कैटेगराइज करते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेयन, जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसकी खासियत देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली खासियत है इट इज वेरी वेरी चीपर, आपके पॉकेट फ्रेंडली है, सिल्क जैसा महंगा नहीं है, तो इट इज इजीली यू कैन से अफोर्डेबल। सेकेंड इट कैन बी वुवन लाइक सिल्क, मतलब क्या कर सकते हैं, वो सिल्क के जैसे ही हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वुवन करके एक अच्छा सा एकदम हम लोग क्लॉथ बना सकते हैं, अच्छे से कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज इट कैन बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। डाइड मतलब क्या स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था यू नीड वेरियस वेराइटी, वेरियस कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको चाहिए, तो जो फाइबर होता है उसको डाई करना पड़ता है। डाई मतलब हम लोग को कलर वाले पानी में उसको डाई करना पड़ता है, उसको कलर से हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द कलरफुल क्लॉथ्स। तो उसी में हम लोग क्या बोलेंगे कि रेयन जो है इट इज वेरी वेरी इजी टू डाई इन वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर जो है
वो जो रेयन का जो फाइबर होता है उस पर अच्छे से स्टिक हो जाते हैं और हमको वाइड वेराइटी रेंज ऑफ अ क्लॉथ मिलती है। अब ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इजी है और बहुत समझने के लिए इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि जितने भी हम लोग क्लॉथ देखते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ और डिफरेंट डिफरेंट फाइबर। अब ये जो मिक्सचर किया जाता है वो ऑब्वियस है कि कुछ हम लोग के जो हम लोग को वाइड वेराइटी चाहिए, हम लोग को ड्यूरेबल वेराइटी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अच्छे से मिक्सचर कर देते हैं। हर एक चीज 100% आपको कॉटन या 100% ये नहीं मिलेगी, 80% कॉटन होगा तो 20% कोई और फाइबर होगा। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होता है कि जो हमारी कपड़े की ड्यूरेबिलिटी है या हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उससे फायदा ले सकते हैं इसके लिए स्टूडेंट्स। अब देखो देखते हैं रेयन जो है, रेयन को अगर हम लोग कॉटन में मिक्स करेंगे, अब थोड़ा सा रेयन ले लीजिए, रेयन का फाइबर और कॉटन के फाइबर को हम लोग अगर मिक्स कर लेंगे तो रेयन और कॉटन मिक्स होकर हम लोग को क्या बन सकता है, हम लोग को एक ऐसा मटेरियल बन सकता है जिससे आपके बेडशीट्स बनते हैं। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स बेडशीट का जो कपड़ा रहता है, जो क्लॉथ रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है, उससे आपके कर्टन्स बन सकते हैं, ठीक है, जो हैवी रहते हैं ज्यादा। नेक्स्ट रेयन और वुल, अगर आप रेयन और वुल को मिक्स करोगे, जो वुल है जो नेचुरल फाइबर है उसको अगर आप मिक्स करोगे, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आर्टिफिशियल फाइबर और नेचुरल फाइबर को मिक्स कर रहे हो, क्यों, हमारी अच्छाई के लिए, हमको अच्छे कपड़े मिल सके इसके लिए, हम लोग को वाइड रेंज मिल सके इसके लिए, क्लियर। तो हम लोग पहले से ही बहुत सारे सेल्फिश रहे हैं इंसान, तो वो क्या करता है ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहता है। तो नेचुरल एंड हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल को कंबाइन करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रेयन और वुल को अगर आप मिक्स करोगे तो आप कारपेट्स देखोगे, बहुत सारे कारपेट्स का कपड़ा आपने देखा रहेगा, आप बहुत सारे वेडिंग हॉल वगैरह में गए रहेंगे, बैंक्वेट हॉल में गए रहेंगे, तो आपने देखा रहेगा कि वहां पे जो कारपेट लगी होती है वो स्पेशल टाइप के कपड़े की बनी होती है, यस और नो। आपकी मैट्रेस जो है, मैट्रेसेस जो बनती है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ कपड़े से बनती है। तो रेयन और वुल अगर आप मिक्सचर कर दोगे, एक आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल फाइबर है, तो आपको कारपेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब के क्लॉथ की अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज दे आर द मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर। तो आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेयन आपको एग्जाम में पूछा तो आप अच्छे से इसको एलेबोरेट करके लिख सकते हो।